हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फिर से मैं शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ मज़दूरों के जाने के बाद। ये देखो गाइज, तो अपना फ्रेम रेडी हो चुका है और ये देखो ईंटें मैंने कितनी सारी डलवा ली है। एक चिट्टा, दो चिट्टा, तीन चिट्टा और एक चिट्टा वो रहा जो दूर पड़ा है। ये उस टाइम ना बारिश आ रही थी जिस वजह से ये ईंटें पास में नहीं आ पाई थी। और मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर का फ्रेम किस तरीके से सेटल हो चुका है। इसमें कमरे वगैरह अब आपको समझ में आएंगे बढ़िया से। ये देखो ठीक है, अब ये एक आसार और रह गया है, ये भी पत्थरों की चुनाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपनी फिर उसमें भरत हो जाएगी, मिट्टी भर देंगे और मिट्टी भरने के बाद फिर गाइज अपनी ईंटों की चुनाई स्टार्ट होगी। और इधर खोद का भी काम स्टार्ट होने ही वाला है लगभग लगभग। तो एक बार मैं इस मिट्टी पर चढ़ जाता हूँ। देखो ये है अपना, तो आप एक रूम 13.5x13 का है और ये 13.5x12 का है, छोटा रूम है। और पीछे 3.5 फुट की गैलरी है, आप समझ में आ रहा होगा आपको कुछ। ये है पीछे से दिख रहा है बढ़िया, लेकिन दोस्तों सही बताऊँ ना, पैसे कुछ ज़्यादा ही लग चुके हैं यार। और अभी तक मेरे को काम भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर। करीबन 1,70,000 रुपये तो लग चुके हैं अभी तक हमारे इतने सही काम में। ये देखो पत्थरों की चुनाई है ना, थोड़ी मजदूरी महंगी पड़ती है यहाँ पर। और बाकी का देखते हैं कैसे क्या होता है यार। दोस्तों एक चीज़ और, ये देखो ये मैं एक दूसरी चप्पल पहन रखा हूँ और एक दूसरी पहन रखा हूँ, तो एक बार मैं ना चप्पल भी चेंज करके आ जाता हूँ। मेरी सैंडल उन अंकल के घर में है, जो छोटा सा घर है ना उस घर में है। एक बार पहले सैंडल पहन लेता हूँ। और अभी मैंने बजरी का भी ऑर्डर दिया था, तो फिलहाल बजरी भी आने वाली है। चलो सही हुआ बजरी आ जाएगी, तो क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। और बारिश आ गई ना तो आपको पता ही है रोड गीली हो गई, तो यहाँ पे फिर गाड़ियों का चढ़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अरे यार ये क्या आए हुए हैं, ये हिरन जैसे दिख रहे हैं। देखो ये क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो ये यहाँ पे तो नीलगाय बोलते हैं इनको शायद, और रोज़ भी बोलते हैं इनको, कि गाँव के लोग इनको रोज़ बोलते हैं और मैं तो नीलगाय बोलता हूँ क्योंकि हमारे तरफ नीलगाय बोला जाता है। चलो ये सैंडल है, बस सैंडल पहन लेते हैं और अंकल की चप्पल को रख दे। यार कांटा चुभ गया इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा है ना, बबूल के कांटे हैं यहाँ पे। तो ये अपनी एक बार सैंडल पहन लेते हैं। ये देखो चलो एक बार इसको टाइट कर लूँ। अंकल तो गए अपना पतासी का ठेला लेके पतासी बेचने के लिए, गांव के स्टैंड पे ही लगाते हैं वो पतासी का ठेला। इसको लॉक एक बार कर देता हूँ मैं बढ़िया से, क्योंकि दूसरे के घर की अभी जिम्मेदारी है अपना, क्योंकि अपना इसमें सामान भी रखा हुआ है ना, इसलिए इसको लॉक कर देते हैं कुछ इस तरीके का। इसका लॉक है, लॉक कर दिए। और अब एक बार वापस से चलते हैं अपने फ्रेम पर, घर का जो फ्रेम बना हुआ उस फ्रेम पर चलते हैं। तो मैं अभी आ गया हूँ फिलहाल दोस्तों अपने ईंटों के पास, और फ्रेम उधर अपना दिख रहा है घर का। तो शाम का टाइम है, सूरज जी भी ढल चुके हैं, दिख रहा होगा बादल हो रहा है ना इसलिए। तो आई होप आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।